अब हम तीनों को यहाँ से जाना होगा। हाँ गोल्डन रोबोट, अगर हमें धरती को बचाना है तो यहाँ से जाना होगा। हम लोग किसी को भी पता न चले समुद्र के ऐसी गहराओं में चले जाएंगे जहाँ हमें कोई मछली भी ढूंढ ना पाए। तीन जादे रोबोट और रोबोट गोरिल्ला लड़ाई। दोस्तों यह कहानी बनाने में हमारी काफी महीने चली गई, तो आप इस कहानी को लाइक किया बिना मत छोड़ना। आज का लाइक है मैं 3000 लाइक्स, मुझे पता है आप करते हो टोको लाइक, और ऐसी धमाकेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शांतिपुरम नाम का एक गाँव था। गाँव में राम और उसका छोटा भाई चिंटू रहता था। वो दोनों बड़े अच्छे रहते थे। उन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। अगर चिंटू को कोई चोट लगती तो राम बहुत उदास हो जाता। अगर राम को कुछ होता तो चिंटू भी बहुत उदास हो जाता। ऐसे ही उन दोनों भाई की जुगलबंदी थी। एक दिन राम अपनी नौकरी की तलाश में टैक्सी में बैठकर शहर जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू बड़ी खुशी से नाश्ते गास्ते खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल रोड पर चली गई। तब चिंटू वो बॉल लाने के लिए रोड पर चला गया, लेकिन तभी वहां एक ट्रक ने चिंटू को उड़ा दिया। बाद में कुछ लोगों ने चिंटू को हॉस्पिटल लाया। तब तक वहां राम भी आ चुका था। तब राम बोला, अरे किशोर मेरे भाई को बचा ले यार। देखो राम, तुम्हारे भाई का पहले ही काफी खून बह चुका है, उसकी कंडीशन अब बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, तो तुम उसका इलाज करो ना किशोर। देखो राम, तुम्हारे भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, वो 2-4 दिनों में कोमा में भी जा सकता है। मैं बाहर से कुछ डॉक्टर मंगवाने पड़ेंगे उसका इलाज करने के लिए, उसके लिए काफी खर्चा आ जाएगा। तुम पैसों की चिंता मत करो यार, तुम सिर्फ मेरे भाई को बचा लो। राम लगभग 60-70 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है, क्या तुम वो अफोर्ड कर पाओगे? क्या 60 लाख रुपए? हाँ राम, मुझे पता है तुम्हारे लिए 60 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर चिंटू की जान बचानी है तो इतने पैसे लाने ही होंगे। तब राम मन ही मन में सोचने लगा, आखिर वो यह 60 लाख रुपए लाएगा कहाँ से, क्योंकि किसी भी गरीब इंसान को 60 लाख रुपए रकम बहुत होती है। तब राम बोला, ठीक है मैं उतने पैसों का इंतजाम कर लूंगा। राम, तुम्हें वो पैसों का इंतजाम 3 दिनों में करना होगा, तुम चिंता मत करो। तब राम वहां से घर चला गया। तब राम रात भर उन 60 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा इस बारे में सोचने लगा। तभी उसे अपने दादाजी के कुछ आखिरी शब्द याद आ गए। राम मुझे अब जाना होगा, मुझे उन तीनों की खोज अब करनी ही होगी। लेकिन दादाजी उस काम में बहुत जोखिम है, मेरे ख्याल से आप वहाँ मत जाओ। नहीं राम, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम्हें आगे चलकर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करना, लेकिन अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वहाँ खतरा ही खतरा है। ठीक है दादाजी। 3 साल पहले राम के दादाजी जब घर से चले गए थे, तब से लेकर आज तक उनका कोई भी पता भी नहीं लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम को बहुत डर लग रहा था। अगर वो दादाजी के नक्शे कदम पर चला गया, जैसे उसके दादाजी वापस नहीं आ गए, अगर वो भी वापस नहीं आएगा तो चिंटू का क्या होगा? अगर उसे चिंटू को पहले जैसा हलता खेलता देखना है तो उसे जाना ही होगा। तब राम अपने छोटे भाई के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। तब राम दादाजी के कहे मुताबिक एक जंगल में आ गया। तब राम एक पत्थर पे पास आकर एक जादुई मंत्र बोलने लगा। हे जादुई पत्थर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अंदर समा सकता हूँ, अगर मैं चाहो तो यह विनाश हो सकता। राम के वो जादुई मंत्र बोलने से वो पत्थर हवा में उड़ने लगे और उन पत्थरों से नीचे एक जादुई दरवाजा बाहर आ गया। तब राम उस जादुई दरवाजे के पास जाने लगा।
तब राम बिना डरे उस जादुई दरवाजे के अंदर चला गया और वो जादुई दरवाजा वहाँ गायब हो गया और वो पत्थर फिर से अपनी जगह में आ गए। तब राम उस जादुई दरवाजे से एक अलग ही जगह में आ गया और राम ने एक स्विमिंग सूट पहना था। वो जगह बहुत बड़ी थी और चारों ओर पानी था। तब राम उस ऊंची पहाड़ी से बिना डरे नीचे कूद गया। हेलो बॉस, वो पानी में कूद गया है, अब मैं क्या करूं? तुम भी कूद जाओ। ठीक है बॉस। अब मुझे इस दुनिया पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रोबोट गोरिल्ला, अब तुम्हारी बारी। यहाँ दूसरी तरफ राम उन तीन जादुई रोबोट को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, लेकिन अभी तक उसे वो तीन जादुई रोबोट नहीं मिले। दोस्तों मुझे माफ कर देना, अब मुझे जाना होगा। क्या राम को वो तीन जादुई रोबोट मिलेंगे? आखिर राम का पीछा कौन कर रहा है? यह सब जानेंगे हम पार्ट टू में। आपको सिर्फ कमेंट में जाकर पार्ट टू ऐसा लिखना है। तब के लिए आप यह कहानी देख सकते हैं, बड़ा कद्दू रोबोट वर्सेस एलियन हमला। बड़ा कद्दू रोबोट एलियन हमला। दोस्तों यह कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और आज की इस कहानी का लाइक है मैं 1000 लाइक्स। मुझे पता है आपको तो कुछ टोको लाइक और ऐसे मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह ब्रह्मांड असीम है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सी है। ऐसे एक अनजान गैलेक्सी से, एक अनजान सोलर सिस्टम से, एक अनजान प्लैनेट से जिसका नाम मुझे भी नहीं पता, उस प्लैनेट से कुछ एलियन ऐसे दूसरे ग्रहों पर जीवन पनप रहे का ऐसी खोज करने के लिए निकल गए थे। जैसे वो हमारे लिए एलियन से, वैसे ही हम उनके लिए एलियन से। ऐसे वो ढूंढते ढूंढते एक अनजान प्लैनेट में पहुंचे जिसका नाम था अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी। तब वो एलियन ऐसे ही प्लैनेट में घूमते घूमते एक गाँव में आ गए थे जिसका नाम शांतिपुर था। उन्होंने आते ही उस गांव वालों के घर पर हमले कर दिए कब्जा करने के लिए। अरे भागो भागो, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अरे नहीं, ये तो एलियन स्पेसशिप दिख रहे, इसका मतलब एलियंस ने हमला किया है। अरे मोटू उड़ जा, हमारे गांव पर एलियंस ने हमला किया है। उन्हें लामू काका के चाय के ठेले पे ले गया। अबे बोटे, एलियंस ने हमला किया है। ठीक है, आगे से दाएं मुड़कर रामू काका के लड़के को दिखा देना। सो जा कुंभकर्ण के बेटे। तो पतलून देखा, वो एलियन पे सिर्फ गांव के दो चार लोगों को यहाँ से उठा ले जा रही थी। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अगले दिन गांव के मुखिया ने गांव के एक पेड़ के नीचे कुछ गांव वालों को बुलाया। उनमें मोटू पतलू भी थे। पतलू जी ने मोटू को सारी बातें बता दी जो जो रात में हुआ था। तब गांव का मुखिया बोला, कल हमारे गांव में कुछ एलियंस आए थे, उन्होंने गांव में काफी तबाही मचा दी और गांव के दो चार लोगों को उठा भी ले गए। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे गांव के पास कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, किसी के पास कोई सुझाव? मुखिया जी मेरे पास एक सुझाव है। बताओ पतलू जी बताओ। मुखिया जी, शहर में मेरा एक विशाल नाम का दोस्त है, उसने अपनी रोबोट्स की पढ़ाई कर ली है। वो शहर का जाना माना साइंटिस्ट है, उसके पास एक खुद की लैब है, वो अच्छे खासे रोबोट भी बना लेता है। वो हमें एक रोबोट बना देख सकते हैं उस एलियंस से लड़ने के लिए। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा, तुम और मोटू अभी शहर निकल जाओ और अपने दोस्त से बात करो। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहे। तब मोटू और पतलू गाँव से सीधा शहर विशाल के लैब में आ गए। अरे पतलू, आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे यार क्या बताऊँ तुझे,
गांव में एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। कौन सी मुसीबत पुतलू? तब पुतलू ने विशाल को सारी बातें बता दी जो जो कल रात गांव में हुआ था। विशाल, क्या तुम हमें एक रोबोट बना दे सकते हो? हाँ पुतलू, बना सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी लोहा नहीं है। हम कुछ दिनों से कद्दू का इस्तेमाल कर रहे, काफी दिनों से हमें लोहा ही नहीं मिला। क्या तुम्हें कद्दू का रोबोट चलेगा? लेकिन राम, क्या वो रोबोट उन एलियन के सामने टिक पाएगा? अपने दोस्त पर तुम इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। तब विशाल ने अपनी मेहनत से कद्दू इस्तेमाल कर एक शक्तिशाली कद्दू रोबोट बना लिया और बोला, हेलो पतलू, तुम्हारा कद्दू रोबोट। थैंक यू विशाल। तो पतलू मोटू और कद्दू रोबोट वहां से सीधा गांव में जाने के लिए निकल गए। जब वो तीनों गांव में आ गए, उन्होंने देखा उन एलियंस ने गांव में तबाही मचा दी। कद्दू रोबोट, तबाह कर दो उस एलियन स्पेसशिप को। तो पतलू के कहने पर कद्दू रोबोट उस एलियन स्पेसशिप पर फायरिंग करने लगा। आखिर में उस एलियन स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आ गया। तब वो एलियन कद्दू रोबोट पर टूट पड़ा और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में संसार की सबसे भयानक लड़ाई चल रही थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन आखिर में कद्दू रोबोट ने अपनी ताकत और समझदारी से उस एलियन को हरा ही दिया। उस एलियन को हारते हुए देखकर पतलू और मोटू बहुत खुश हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और उसकी इस कहानी का लाइक है मैं हजार लाइक मुझे पता है आपको तो कुछ दो को लाइक और ऐसी मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही पास वाले घंटे को भी दबा देना। और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।